नमस्कार, मेरा नाम है उत्पल वाजपेयी। आप देख रहे हो अपना द ज्ञान डोज चैनल। तो शुरुआत हो चुकी है, ये मेरी पहली क्लास है एक शिक्षक के रूप में। अभी तक हमको आपने देखा यूट्यूब चैनल द फंडोज पे कॉमेडी करते हुए या बहुत सारे पात्रों का अभिनय करते हुए। अब आप हमको इस चैनल पर पाएंगे एक शिक्षक के रूप में मान लो या अपने भाई के रूप में मान लो, जो जिसका टारगेट ये है इस चैनल का कि कुछ सीखेगा और आपको कुछ सिखाएगा। कुछ लोगों के माइंड में विचार होगा कि ये चैनल जो है सिर्फ 10th क्लास के लिए है या पार्टिकुलर किसी 12th क्लास के लिए है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर हम लोग सीखने और सिखाने के टारगेट से आए हुए हैं, तो यहाँ पर कुछ सामयिक घटनाओं पर भी चर्चा होती रहेगी। कुछ खबरें, ऐसी खबरें जो समाज में आती रहती हैं समय समय पर, जो हम लोगों के लिए उपयोगी होती हैं, तो हम उन पर भी चर्चा करते रहेंगे। जॉब्स से रिलेटेड भी अपनी बातचीत होती रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि समाज का हर वर्ग अपने चैनल को विजिट कर सकता है। धीरे धीरे इसको हम अच्छी तरीके से मैनेज करना शुरू करेंगे। आप पहली बार इस चैनल पर आए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जो भी इच्छा हो तो कर दीजिएगा। कुल मिला के आप उन बच्चों तक हमारी वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत। तो पहला टॉपिक हमारा है नाउन। नाउन के बारे में अभी तक आपने खूब सुना होगा। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग। प्लेस का मतलब क्या है, पर्सन का मतलब क्या है, थिंग का मतलब क्या है। पर्सन मतलब कोई इंसान, प्लेस का मतलब कोई जगह, और थिंग का मतलब कोई वस्तु, जैसे पेन, किताब, कोई भी चीज़। तो इन सभी चीज़ों का जो नाम होता है यही नाउन है। अच्छा, दूसरी बात, नाउन दो प्रकार के लिखे हुए हैं बोर्ड पे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल मीन्स क्या होता है कि जिनको हम गिन पाए, जो एबल हो काउंटिंग करने में। अनकाउंटेबल ऐसी चीज़ें जिनको हम काउंट ना कर पाए। काउंटेबल में हमने तीन पोर्शन में इनको डिवाइड कर दिया। पहला क्या है, चूँकि ये क्लास थोड़ा फास्ट होने वाला है क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, बोर्ड एग्ज़ाम बहुत जल्दी हैं, तो हम थोड़ा जल्दी से ही पढ़ाएंगे। आपको अगर समझने में थोड़ी समस्या हो तो आप पॉज करके या फिर से बैक करके वीडियो देख लीजिएगा। तो अपना काउंटेबल में तीन पोर्शन है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। मतलब ये तीन टाइप के ऐसे नाउन हैं जिनको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल है। जैसे कि प्रॉपर, प्रॉपर में किसी का भी नाम आ सकता है, जैसे नाम राम, बुक सीता, वो तो खूब पढ़े हैं, तो रामू दद्दा का नाम ले लिया मैंने। तो मतलब किसी पार्टिकुलर पर्सन का नाम अगर है तो वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। जैसे द हिमालयाज, चूँकि ये पर्वत है तो पर्वत के आगे हम द का यूज़ करते हैं। द गंगा, गंगा नदी हमारे भारत की सबसे लंबी नदी है तो उसके आगे भी हम द का यूज़ करते हैं। फिर चलते हैं हम लोग कॉमन। अच्छा, इसके नाम में ही क्या है, कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब क्या होता है, जैसे बॉय, गर्ल, पेन। बॉय कोई भी हो सकता है, बॉय कोई भी हो सकता है, गर्ल कोई भी हो सकती है, पेन, ठीक है। तो ऐसे जितने भी ये वाले एग्जांपल्स हैं, बॉय है, गर्ल है, पेन है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो कॉमन है उनको हम बोलेंगे कॉमन नाउन में। और यही बॉय जब पार्टिकुलर हो जाता है, जैसे कि श्याम, जैसे कि कोई भी, जैसे कि जॉन, जैसे कि क्रिकेट प्रेमी है तो सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, तो ये जितने भी नाम हैं। चूँकि यहाँ पे थोड़ी कहानी दूसरी हालांकि हो जाती है, मैं आपको एक पॉइंट और बता दूँ, बात आ गई है तो। आर्टिकल का आप चैप्टर कभी हम आपसे पढ़ेंगे, आज तो हम अभी आर्टिकल नहीं पढ़ाने जा रहे, लेकिन आर्टिकल जब पढ़ाएंगे तो उसमें एक चीज़ आएगी कि किस, हम आपको बताते हैं प्रॉपर नाउन के आगे कई बुक्स में लिखा होता है कि हम किसी के नाम के आगे द का यूज़ नहीं करते, बट कब करते हैं, जब वो नाम फेमस हो जाए। जैसे कि सचिन आपके मोहल्ले में बहुत घूमत हुई है, जो क्रिकेट खेलते हैं बच्चे उनको खूब पता होगा सचिन तेंदुलकर कौन है। तो जो सचिन तेंदुलकर है उनके आगे दा सचिन तेंदुलकर लगेगा, ना कि सचिन तेंदुलकर लगेगा। वैसे जो मोहल्ले में आपका सचिन है वो कॉमन है, तो कॉमन नाउन होता है तो उसके आगे आप दा का यूज़ करते हैं और प्रॉपर नाउन के आगे दा का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन जब कोई वो पर्सन या चीज़ या कोई भी ऐसी जगह जो फेमस हो तो उसके आगे हम दा का यूज़ भी कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ेंगे तो आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव, कलेक्ट करना मतलब क्या है, कलेक्टिव का मतलब होता है कि ग्रुप, किसी भी चीज़ का समूह। जैसे कि पहला एग्जांपल हमारा लिखा है हर्ड। हर्ड जानते हो क्या कहते हैं, हर्ड का मतलब होता है सीप का झुंड। सीप बोले तो भेड़, भेड़ जो चलती हैं तो उनका एक झुंड बन जाता है, उसको एक कॉमन वर्ड में बोलते हैं हर्ड, HERD, हर्ड। उसी हिसाब से फ्लीट, और फ्लीट तो खूब सुनी हुई, नेताजी आओ जन कांड है कि बा हाँ योगी जी की फ्लीट जा रही, नेताजी की फ्लीट निकल रही। तो फ्लीट का मतलब होता है, ग्रुप ऑफ कार्स भी होता है और साथ में ग्रुप ऑफ शिप्स भी होता है। शिप्स बोले तो पानी वाला जहाज,
ठीक है, तो ये कलेक्टिव नाउन होता है, मतलब जिसमें हम ग्रुप, कोई एक ग्रुप होता है उसके लिए एक हम कॉमन वर्ड यूज़ कर लेते हैं, हर्ड, फ्लीट, ऐसे बहुत सारे, क्लास, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, ये भी होता है। अब चलते हैं हम लोग, ये बात हो गई हमारी काउंटेबल नाउन की, अब हम लोग चलते हैं अनकाउंटेबल नाउन पे। अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिनको हम गिन ना सकें, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम गिन ना सकें, देखते हैं। पहला है मटेरियल नाउन, दूसरा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हम बात करते हैं मटेरियल नाउन की। मटेरियल, नाम ही सुन रहे हो कि मटेरियल क्या है, मटेरियल का मतलब क्या है, जैसे डायमंड हो गया, कोई भी चीज़, जैसे डायमंड है, बहुत मजबूत, गोल्ड है, खूब सुना होगा, वाटर है, ये सारी चीज़ें मटेरियल नाउन में आएंगी, दूध है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी एक डीप पॉइंट बताते हैं आपको थोड़ा सा। मटेरियल नाउन में भी दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका नेचुरल, एक होता है मैन मेड। कोई ऐसी चीज़ जो नेचुरली हमको प्राप्त हो जाती है, वो होता है नेचुरल, और एक ऐसी चीज़ जो हमारे इंसानों के द्वारा ही बनाई जाती है। जैसे कि हम बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड की तो खाने मिलती हैं, और खाने हमारे बाबा परदादा तो बना नहीं गए। जो गोल्ड की खाने हैं वो नेचुरली हैं, लेकिन उनमें से हम गोल्ड लेकर के आते हैं, फिर उसको हमारा सुनार उसको बढ़िया से मैनेज करके बढ़िया से रिंग बना देता है और हम पहन लेते हैं, या किसी को गिफ्ट कर देते हैं, है ना। गिफ्ट कोई यार करते ना, इतनी महंगाई, कुल मिला के अपने आप पहन लेते हैं। तो उसमें दो चीज़ें समझो, जो गोल्ड मिला हमें खान से तो वो हुआ नेचुरली, नेचुरली हमको प्राप्त हुआ, तो उसको हम बोलेंगे नेचुरल। और फिर जो हमने उसको लेकर के आए और रिंग बनाई, रिंग बना करके पहने, तो जो रिंग हुई, क्योंकि वो इंसान ने उसमें कुछ अपनी कलाकारी कर दी, इसलिए उसको हम बोल देंगे मैन मेड, मतलब आदमी के द्वारा बनाई गई कोई वस्तु। तो क्लियर हुआ मटेरियल नाउन। आगे चलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आता है, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, सैड हुआ, हैप्पी, जिनसे हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे वर्ड्स अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा नाउन चैप्टर जो है आपका क्लियर हो चुका है। नाउन दो प्रकार के, काउंटेबल अनकाउंटेबल, मतलब जिनको हम गिन सके काउंटेबल, जिनको ना गिन सके अनकाउंटेबल। काउंटेबल के तीन पार्ट, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। अनकाउंटेबल के दो पार्ट, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट। सबकी अपनी अपनी बात, प्रॉपर में किसी का नाम ले लो, अपना नाम ले लो, कॉमन में किसी का भी, बॉय, गर्ल, पेन, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। कलेक्टिव में ग्रुप ऑफ, ग्रुपिंग की बात करी जाएगी। मटेरियल नाउन की बात करेंगे तो कोई भी वस्तु, जैसे डायमंड, गोल्ड, वाटर, मिल्क, ऐसी चीज़ें। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में अपनी फीलिंग्स जो होती हैं उनको एक्सप्रेस करने की बात होती है, जैसे कि ऑनेस्टी, ब्यूटी, लव, हेट, सैड, हैप्पी, ये ऐसे सारे वर्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये नाउन पूरा क्लियर हो चुका होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हाँ, अच्छा एक मिनट अभी, अरे भाई पहले क्लास में आपको दिखा दें, इतना भी बजट कमज़ोर नहीं। देखो चाय भी हमारे लिए बन गई है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। पहली क्लास है शिक्षण कार्य की लाइव, मतलब कैमरे पे, तो आप हमें बताना ज़रूर कैसी लगी। पढ़ाने का तरीका जो भी जितना हो सकेगा हम इम्प्रूव करेंगे, अभी हमने खुद नहीं देखा कि कैसा क्या है। तो लोगों तक शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट में अपनी समस्याएं लिखो, आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।